आज हम क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर मईरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एलग्रिदम ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स नीडेड प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड डिसीजन टू बी टेकन आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड ये क्वेश्चन नंबर फोर है बुक में आज हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत से अलग्रिज्म को डिस्कस करने के बाद एलग्रिजम को किस तरह डिजाइन करने के बाद ये बुक का क्वेश्चन नंबर फोर है कि एलग्रिजम की एफिशिएंसी को इन फैक्टर्स के ऊपर हम किस तरह किसी भी एलग्रिज्म की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं तो पहला है जी इनपुट नीडेड इसका क्या मतलब है कि हमारे अलग्रेजम की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास इनपुट कितना है अगर लार्जर इनपुट है तो डेफिनेटली हमारा जो अलग्रज़म है उसको सॉल्व करते हुए यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए टाइम ज़्यादा लगेगा अगर हमारे पास इनपुट कम है तो प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हुए टाइम है वो भी कम लगेगा यानी कि इनपुट नीडेड इनपुट क्या क्या उसमें चाहिए इसमें अब देखें एक एग्जाम्पल दी हुई है एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है बुक में नहीं है देख लीजिएगा ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं पहली इक्वेशन जी फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई नाइन एटी नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी एट ये एक इक्वेशन है और दूसरी क्वेश्चन है एट मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई ज़्यादा लेगी दूसरी छोटी है तो वो टाइम थोड़ा लेगी तो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का जो डिपेंड है वो है इनपुट नीडेड के ऊपर बी होता है इनपुट नीडेड मीनस की हमारे पास इनपुट कितना है इनपुट बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और अगर हमारे पास अगर अल, वो छोटा है इनपुट तो अमाउंट ऑफ टाइम जो है वह के ऊपर कम लगेगा यानी कि अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने पढ़ा था कि हम एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जो मोर इफेक्टिव होगा मोर एफिशिएंट होगा उसमें लेकिन जो हमारे पास अगर डिफरेंट सोलूशन आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगर डिफरेंट सोलूशनस हैं तो जो एफिशेंट सोलूशन वही होता है जो हमारे पास जिसमें स्टेप्स कम होते हैं जो लेस कम्प्लैक्स होता है जो लेस स्पेस लेता है जो लेस मेमरी कंज्यूम करता है जो जल्दी या फास्ट जिसका हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड uh, हो जाता है तो ऐसा अलग्रदम जो होता है वो हमारे पास एफिशिएंट होता है अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे एक हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था एक प्रॉब्लम को डिस्कस की थी कि देखिए अगर हमने अपने आप अपने स्कूल आपकी लोकेशन है सोर्स है जहाँ से आपने जाना है और डेस्टिनेशन है आपकी गाजी बैंक अलाइड बैंक है या एम सी बी है या एच बी एल है या बैंक अल्फला है अगर आपने जाना है तो एक उसका सोल्यूशन क्या है कि आप सीधा जो है वो रोड वाला जो रास्ता है उस पर बाइक बैठे रोड पे चले जाए और दूसरा जो रास्ता है वो नहर वाले रास्ते से आप जाए तो अब सोल्यूशन हमारे पास दो हैं दोनों जो है वो बैंक तक हमें पहुंचा रहे हैं दोनों रास्तों से हम बैंक तक पहुंच रहे हैं लेकिन अब जो हमारा पहला जो सोल्यूशन है जो हम रोड से बाइक पे निकल जाए उसमें फ्यूल हमारा कम लगेगा उसमें हमारी जो है वो टाइम कम लगेगा प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी यानी जल्दी हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा तो ये जो सोल्यूशन है सोल्यूशन ए जो हमारे पास है रोड वाला ये ये क्या है ये एफिशिएंट है मोर इफेक्टिव है वाई बिकॉज ऑफ लेस टाइम टू बी टेकन इसमें टाइम कम लग रहा है दूसरा प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट हो रही है यानी हम जल्दी पहुंच रहे हैं तो ये जो है हमारा एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो एक तो ये है कि एफिशिएंट तो ये है कि हम ये वाला रास्ता चूज़ करें लेकिन उसमें एक और बात भी आ जाती है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये भी रोल प्ले करते हैं अब देखें हमारे पास जो एक दो क्वेश्चन हैं जो आपकी इसमें दिए हुए हैं आपकी एग्जांपल में स्लाइड्स में आप देख सकते हैं इसमें अब एक पहले क्वेश्चन के अंदर जो इनपुट है वो लंबा है वो लार्जर इनपुट है और दूसरे इनपुट जो है हमारा वो है वो स्मॉलर है तो टाइम जो है वो स्मॉलर के ऊपर हमारा कम लगेगा एफिशिएंट कौन सा है तो फिर अगर हमारे पास अगर हमने एफिशिएंसी को तय करना है अलग्रदम की जिस तरह वो रास्ता छोटा था तो एफिशिएंट था अब ये दो हमारे पास है अब अगर हम देखें दूसरा जो है उसमें अब इनपुट ही कम है उसमें तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम कम लगेगा पहले में इनपुट ज़्यादा है लार्जर इनपुट है ज़्यादा इनपुट है उसमें तो ऑटोमेटिकली तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो इनपुट नीडेड तो यही ये, ये फैक्टर्स भी हैं जो कि अलग की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करते हैं अगर इनपुट ज़्यादा होगा तो हमारे पास डेफिनेटली जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा यही नहीं कि अगर हमने पिंडी पहुँचना है उसके मुकाबले में हमने गाजी जाना है तो पिंडी जो है वो ज़्यादा हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है उस टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगा तो उनके अलावा अगर मल्टीपल सोल्यूशन होने के अलावा उनमें एक एफिशिएंट सोल्यूशन तो आ जाएगा लेकिन अब अगली बात आती है कि इनपुट क्या है इनपुट अगर बड़ा है तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी को ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं आपने इफ़िशेंसी को एफिशिएंट सोल्यूशन देखते हुए या एफिशेंट एलग्रिजम देखते हुए या एलग्रिजम की एफिशंसी को सामने रखते हुए आप लोगों ने इनपुट को भी सामने रखना है कि इनपुट क्या है इनपुट अगर लार्जर uh, है तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा उसके बाद नंबर टू है जी प्रोसेसिंग टू बी कम्प्लीटेड एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का डिपेंड क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए टाइम कितना लगेगा सीपीयू का जो है वो कितना टाइम कंज्यूम होगा जिस भी अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास और जिस सॉल्यूशन के ऊपर हमारा जो एक एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल अगर सॉल्यूशंस हैं तो हम देखेंगे कि किस के ऊपर हमारा सी का टाइम कम लगेगा और किस के ऊपर ज़्यादा लगेगा जो टाइम कम लगेगा वो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है टाइम के ऊपर कि किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करते हुए टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है तो ये भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को जो है वो इसका भी अलग्रदम की एफिशिएंसी का डिपेंड इस बात के ऊपर भी है उसके बाद नंबर थर्ड है जी डिसीजन टू बी टेकन नेक्स्ट बात आती है जी कि एलग्रेजम की जो एफिशिएंसी हम चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमें ऑप्टिमल रिजल्ट मिले बेस्ट रिजल्ट मिले तो हमने डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स हैं उसको भी चेक करना होता है फॉर एग्जांपल डिसीजन टू बी टेकन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है आ, कभी कभी हमने डिसीजन लेना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ, जो पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग जो क्राइटेरिया 33% थर्टी थ्री परसेंट है तो अगर यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि थर्टी थ्री परसेंट से या इस ऊपर मार्क्स हैं तो स्टूडेंट जो है वो पास है और अगर इससे कम है तो फेल है तो डिसीजन अगर हमारे पास देखते हैं कि हमने किस तरफ जाना है और वहाँ पे हमें कौन सा सोल्यूशन मिल रहा है तो वहाँ पे हमें चॉइसेस जब होती हैं हमारे सामने तो फिर हम डिसीजन लेते हैं तब भी ले जाता है जब चॉइसेस होती है। अब ग्रेड 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 बी ग्रेड, सी ग्रेड, अगर स्टूडेंट्स को देखना है तो सेवेंटी परसेंट जैसे ऊपर होंगे तो ए ग्रेड होगा फिर इस तरह बी ग्रेड का क्राइटेरिया है फिर सी ग्रेड का फिर डी ग्रेड का तो ये क्राइटेरिया जो है हमारे पास अगर चॉइसेस होती हैं तो तब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन हम ले रहे हैं कि इस परसेंटेज के ऊपर जो है वो ए ग्रेड है इसके ऊपर बी ग्रेड है और इस परसेंटेज के ऊपर सी ग्रेड है तो डिसीजन टू बी टेकन डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं और हम उन चॉइसेस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करते हैं तो फिर हम डिसीजन लेते हैं जिस तरह पास फेल की परसेंटेज थर्टी uh, थ्री परसेंट किसी क्राइटेरिया को सामने के हम जो है वो एक चॉइस जो है वो हम हम किसी चॉइस को सिलेक्ट करते हैं हम डिसीजन को सिलेक्ट करते हैं जब चॉइसेस होती हैं तभी डिसीजन को सिलेक्ट किया जाता है डिसीजन लिया जाता है सॉरी अब देखे आप कहते हैं आज बहुत गर्मी है वेरी हॉट तो टेम्परेचर कितने से ज्यादा होगा तो आप कहेंगे बहुत गर्मी है बहुत वेरी वेरी हॉट डे अगर आप कहते हैं फोर्टी फाइव से टेम्परेचर ऊपर है तो फिर देखेंगे हम डिसीजन देखें ले रहे हैं कि वेरी हॉट टेम्परेचर है इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 तक है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है फिर हम डिसीजन लेते हैं कि प्रेजेंट वेदर है नॉर्मल वेदर है प्रेजेंट है खुशगवार वेदर है अगर हम कहते हैं कि 5 डिग्री से कम है टेम्परेचर तो हम कहते हैं कि डिसीजन हमारा क्या होगा तो हमारे पास ये चॉइस है तो फिर हम हम हमारा डिसीजन होगा कि कोल्ड वेदर है और अगर ज़ीरो से या कम है तो फिर हम कहते हैं टेम्परेचर तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा डिसीजन क्या हो गया वेरी वेरी कोल्ड है फ्रीजिंग है हम जिस तरह एक आ, कोई एक साल का बच्चा है या बच्ची है तो हम कहते हैं कि बेबी है अगर बूढ़ा है तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि वो जो है अगर 55 सॉरी 50 से ऊपर हम कहते हैं फिफ्टी फाइव से ऊपर हम कहते हैं कि वो ओल्ड मैन है 30 से 40 तक हम कहते हैं यंग मैन है तो इस तरह के डिसीजन जो है जब हमारे पास चॉइसेस गिवन होती हैं तो फिर डिसीजन लिए जाते हैं है। और डिसीजन जो दिए जाते हैं वो किसी भी सामने किसी चीज़ को सामने रख के जो हमारे पास जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको सामने रख के डिसीजन लिए जाते हैं जिस तरह आपको बता दिया है कि टेम्परेचर कितना होगा तो हम कहेंगे तो क्या हमारा डिसीजन होगा टेम्परेचर कितना होगा तो हम क्या डिसीजन लेंगे तो ये डिसीजन जो है वो ऑन दी बेसिस ऑफ हम जो हमारे पास जो चॉइसेस हैं उसके ऊपर लिया जाता है उसके बाद आउटपुट प्रोवाइडेड अगर हमारे एल्गोरिथम का जो आउटपुट है वो करेक्ट नहीं है अगर उसका आउटपुट गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो गलत है हमारा एल्गोरिथम ठीक नहीं है हमारे एल्गोरिथम का जो डिपेंड है वो तभी सही होगा जब वो सही आउटपुट के साथ एंड हो रहा होगा बस हमने दो डिजिट के सम का एल्गोरिथम एल्गोरिथम बनाया एक छोटा सा है दो डिजिट के सम का हमने डिजिट हमने उसमें फार्मूला ए माइनस बी लगा लिया हमने पहले डिजिट दिया फाइव दूसरा दिया टू तो अगर इनको हम इनकी एडिशन करेंगे तो रिजल्ट इज इक्वल टू सेवन होगा लेकिन हम अपने जब एल्गोरिथम को चेक करेंगे तो हमें फाइव माइनस टू जीगुल टू थ्री रिज़ल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है इट मीन्स कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसमें कोई गलती है वो एल्गोरिथम सही नहीं है तो एल्गोरिथम का जो डिपेंड है एल्गोरिथम को हमने ये भी देखना है कि हमारा जो एल्गोरिथम आ रहा है उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे एल्गोरिथम का वो सही होना चाहिए अगर रिज़ल्ट सही नहीं है तो फिर डेफिनेटली हमने जो है ना रिज़ल्ट अगर सही नहीं है तो डेफिनेटली हमारा एल्गोरिथम ठीक नहीं है तो हमने फिर ये अलग्रदम के रिज़ल्ट को भी चेक करना है अलग्रदम का जो रिज़ल्ट है तो वो भी सही आना चाहिए तो हमने आज क्या पढ़ा क्राइटेरिया फॉर मैरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एलग्रिजम कि हम एक अलग्रदम की एफिशिएंसी को एफिशियंसी को किस तरह मैर कर सकते हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है ये अलग्रिजम का बहुत ज़्यादा रोल है जब हम सॉफ्टवेयर डिवेलप करेंगे तो एलग्रिदम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसलिए कुछ दिन पहले आपको एलग्रदम की प्रैक्टिस करवाई है बहुत ही सिंपल से एलग्रदम लिए हैं बहुत ही सिंपल से एलग्रदम लेने का मकसद ये था कि आपको एलग्रदम की नो आव हो जाए अब जो इसकी एफिशिएंसी है उसको ये इसकी एफिशिएंसी के लिए जो क्राइटेरिया है वो पहली बात हमने याद है आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस की थी स्पीड और रनिंग टाइम के किसी भी एलग्रदम को की जो एफिशिएंसी है उसके डिपेंड उसकी स्पीड के ऊपर भी करता है और स्पेस के ऊपर करता है दो बहुत ही अहम हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि उसकी प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट हो और दूसरा वो लेस स्पेस ले यानी कि हमारी जो मेमोरी है वो कम कंज्यूम हो तो लेकिन इसके अलावा इसके अलावा जो है एफिशिएंसी इसके अलावा इन दो बातों के अलावा जो है एलग्रदम की यानी कि टाइम कम लें और स्पेस कम इसके अलावा जो है जो एलग्रदम की एफिशिएंसी है उसको ये फॉलोइंग फो, जो फोर फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस किए हमने उसके ऊपर भी करता है यानी कि इनपुट नीडेड यानी कि इनपुट अगर लेंथी होगा तो डेफिनेटली हमारा जो है वो एलग्रदम जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो उसके ऊपर तो एफिशिएंसी का जो हमारे एलग्रदम है उसके ये फोर जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है प्रोसेसिंग टू बी कम्प्लीटेड के जितने कितना ज़्यादा वो टाइम लेगा इसके अलावा डिसीजन टू तो बी टेकन हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो हमने फिर कौन सा डिसीजन लेना है आउटपुट टू भी प्रोवाइडेड के हमारा जो एल्गोरिथम है वो करेक्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो ऐसा ना हो कि हम सोल्यूशन दे, दे दें और बहुत शॉर्ट सोल्यूशन हो उसके ऊपर जो है वो टाइम भी कम ले रहा हो डिसीजन भी ठीक है लेकिन हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट है वो इनकोरेक्ट आ रहा है इस इट मीनस कि फिर हमारा जो एलग्रदम है वो ठीक नहीं है तो ये एलग्रदम की जो एफिशिएंसी है उसको मैयर करने के लिए वो दो फैक्टर जो आपने पढ़े रहे स्पीड और स्पेस का यानी कि सीपीयू जो है वो कम जल्दी उसको प्रोसेस कर ले हमारे एलग्रदम को नंबर टू जो है वो मेमोरी लेस स्पेस ले उसके अलावा ये फोर फैक्टर्स भी हैं जो एलग्रदम की एफिशिएंसी जो है वो डिटर्मिन uh, करते हैं तो आज का ये टॉपिक है और आज जो है वो एम भी होंगे उसमें इसी चैप्टर में से आएंगे जो आखिर में से जो एम हैं इस चैप्टर के जो पहले चैप्टर के चैप्टर नंबर वन के आखिर में जो एम है क्यूज़ हैं वहाँ से भी आएंगे और जो आज तक हमने पढ़ा है वहाँ से भी आएंगे